नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। चलिए बात करते हैं, कर्नाटक चुनाव के बीच क्यों शुरू हुई बजरंग दल की चर्चा और क्यों शुरू हुआ कांग्रेस दफ्तर के बाहर बजरंग दल का जमावड़ा। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच अचानक चर्चा बजरंग दल की होने लगी है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उसने वादा किया कि प्रदेश में जाति एवं धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का वादा भगवान हनुमान का अपमान है। कांग्रेस के इस वादे पर पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बजरंग दल को लेकर काफी चर्चा है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई और इस संगठन का उद्देश्य क्या है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा के रूप में इस दल की शुरुआत हुई थी। विश्व युद्ध परिषद की पहली धर्म संसद में मंदिर आंदोलन की शुरुआत के साथ ही राम जानकी रथ यात्रा के नाम से नियमित रूप से इस शोभा यात्रा को निकालने की शुरुआत हुई। इसका मकसद था कि लोगों को हिंदुत्व के बारे में अधिक से अधिक बताया जाए। कुछ समय में ही इससे युवा और साधु संत जुड़ते गए। 1 अक्टूबर 1984 को इस दल की स्थापना हुई और राम नाम रखा गया बजरंग दल का। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का यथ विंग है। बीजेपी नेता विनय कटियार इसके संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। बजरंग दल के उद्देश्य की भारत से लव जिहाद, गौहत्या और दूसरी धर्मांतरण जैसी गतिविधियों की पूरी तरह से भारत से समाप्त करना है। बजरंग दल अपने काम का विस्तार देने के लिए देश के मंदिरों में साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन भी करती है। युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बजरंग दल अखाड़े और खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है। बजरंग दल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर मुखर हुआ है। इसी कारण बजरंग दल की छवि हिंदू समर्थक के रूप में हुई है। इस दल के कुछ लोगों की उग्र छवि इसे और मजबूत बनाती है। पिछले साल बजरंग दल ने देश भर के युवाओं को बजरंग दल से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। संगठन की ओर से 50 लाख रुपए को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।